hello students good morning to all of you I welcome you to my YouTube channel English Somnir. YouTube channel so students today I am present here with a new chapter from Flamingo of class 12 so the first chapter is the last lesson all right द फर्स्ट चैप्टर इज़ द लास्ट लेसन यानी अंतिम पार्ट आखिरी लेसन देखिए स्टूडेंट्स ये लास्ट लेसन क्यों कहा गया है अभी मैं आपसे इस पर चर्चा करता हूँ लेकिन इस लास्ट लेसन में जो ऑथर है ना ज़रा इस ऑथर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा इसके बाद जब लास्ट लेसन चैप्टर की बात करेंगे थोड़ा उस पर हम आप प्रिफेज बना करके पूरी डिटेल्स बताएंगे चलिए शुरू कर दें देखिए इस आथर का नाम था अल्फोंस डॉडेट जो 1840 में पैदा हुआ था और 1897 में एक्सपायर कर गया था आई होप दिस इज क्लियर वो वॉज अ फ्रेंच नावलिस्ट ये फ्रेंच नावलिस्ट था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर शॉर्ट स्टोरी राइटर था ओके okay? फ्रांस का नावलिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वार जो एटीन सेवेंटी एटीन सेवेंटी वन के बीच में फ़ाइट किया गया था इसका मतलब समझ रहे हैं फ्रैंको प्रशियन वार आपको बता दें फ्रांस और जर्मनी का एक पार्ट था जिसका किंगडम प्रशिया था उन दोनों के बीच में एक वार हुआ था जो एटीन सेवेंटी और सेवेंटी वन में उस दौरान जो है जर्मनी का एक ए, ए, जर्मनी का एक हिस्सा जो आ, आपका एल्स और लॉरन है ये दो ऐसे थे जहाँ पर जो जहाँ पर ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है आगे चलते हैं भी डिटेल में और बताता हूँ इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रशिया यानी कि फ्रांस को डिफीट कर दिया था प्रशिया ने और जिसकी लीडिंग कर रहा था लेड बाई बिस्मार्क, बिस्मार्क लीडिंग कर रहा था यानी प्रशिया की तरफ से बिस्मार्क था जिसने फ्रांस को हरा दिया था प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ वट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया पर्शिया को देखिए बताया गया प्रशिया को बताया गया है कि देखिए पर्शिया अलग है प्रशिया अलग है प्रशिया प्रशिया जो है वो किन चीज़ों से बना था मतलब प्रशिया आज के ज़माने में प्रशिया कहें कि प्रशिया है कहाँ तो जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स में जो है पार्ट्स में वो स्थित है प्रशिया और हालांकि गूगल पे ये भी आता है कि ये ऑस्ट्रिया के जहाँ रशिया आता है बट ऐसा नहीं हमने उसका Uh, ने उसका जो मैप देखा तो रशिया तो बहुत दूर दूर तक नहीं उसका हालांकि जो बाउंड्री उसकी है रशिया की वो ऑस्ट्रिया से कहीं ज़्यादा दूर बाउंड्री नज़र आती है तो ये लाइन जो इसमें जो लिखा गया है ये करेक्ट है और हो सकता है उस वक्त थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड हो बट इस समय जब मैंने मैप देखा तो मुझे ये लगा कि रशिया इज़ फार अवे फ्रॉम ऑस्ट्रिया सो ऑस्ट्रिया वुड बी राइट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया शेड बी प्रेफर्ड फर इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलसेज एंड लोरेन देखिए इस स्टोरी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है अलसेज और लोरेन हैव पाज इन टू परशियन हैंड्स देखिए मैंने बताया था जर्मन पहले जब मैंने जब रेफरेंस शुरू में दिया था तो अलसेज और लोरेन को मैंने बताया था एक जर्मन पार्ट्स है यानी जर्मनी का है यहाँ पर दिया है कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जानते हैं तो ये अलसेज और लॉरें जो थे ना ये फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे जो आ, वो चले गए प्रशियन के हैंड में मतलब अब जर्मनी वाला है जर्मनी के हैंड में चले गए इसलिए अब चूंकि जाहिर सी बात है कि तो जर्मनी का उस पर शासन हो गया जर्मनी के हिसाब से नियम कानून लगने लगे तो पहले अलसेसोलोरन जो था फ्रेंच का पार्ट था यानी फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे लेकिन जब प्रशिया ने फ्रेंच पर अटैक कर दिया तो अलसेसोलोन को अपने कब्जे में कर लिया जीत लिया तो अब वो जर्मनी के ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा उसका तो डेफिनेटली तो अलसेस और लोरेन जो है अब जर्मन पार्ट्स हो गए हैं है पाज इंटू प्रशन हैंड्स प्रशन हैंड में चले गए अब देखिए रीड द दे स्टोरी टू तो फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल यानी अलसेस और लॉरन का जर्मन के हाथों में जाना यानी जर्मनी के हाथों में जाना अलसेस और लोरेन पे क्या प्रभाव पड़ता है यही आप पूरी स्टोरी में जानेंगे तो मैं आपको बता दूँ डियर थोड़ा सा मैं अपनी तरफ़ से इसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ कि आखिर क्या प्रभाव पड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात ऐसा था कि अलसीएस और लोरेन में एक हैमल नाम के मिस्टर हैमल नाम के एक टीचर थे तो वो एक स्कूल में पढ़ा रहे थे तो स्कूल में पढ़ा रहे थे चाल वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे थे फ्रेंच पढ़ा रहे थे ध्यान से सुने अल्सेस और लॉरेन में एक स्कूल था हालांकि वो स्कूल शायद अल्सेस में ही रहा होगा क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट थे तो दोनों डिस्ट्रिक्ट जर्मन के हाथ में चले गए तो वो स्कूल जो है उस स्कूल में मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे अब मिस्टर हैमल चालीस साल तक वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे वो लेकिन अचानक से ऑर्डर आ गया कि अब अल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बजाय फ्रेंच लैंग्वेज के अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अब भैया एक ही बात बताइए जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है अगर कह दिया जाए कि यह सब्जेक्ट ख़त्म हो हमारे यहाँ से तो आप क्या पढ़ाएंगे तब तो आपकी सर्विस गई तब तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर हैमल जहाँ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे अब वहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म हो गई अब वहाँ जर्मन लैंग्वेज जो है शुरू होने वाली है तो मिस्टर हैवल ने सोचा कि अब तो हमारी सर्विस यहाँ से ख़त्म है अब आखिरी दिन है तो उन्होंने क्या किया सारे बच्चों को अंतिम दिन जब वो जा रहे थे मतलब उनकी विदाई हो रही थी या वहाँ इस उस स्कूल को छोड़ रहे थे तो वो आखिरी दिन जो है उन्होंने अपना लेक्चर दिया और उसमें कई लोग इकट्ठा भी हुए सारे स्टूडेंट्स भी थे और कुछ गांव के लोग भी आए थे चूँकि गाँव के लोग का गाँव के लोगों की बड़ी सिंपैथी थी उनके प्रति बड़ा अच्छा है बड़े अच्छे टीचर माने जाने थे तो वो जो थे सारे लोग उनसे बहुत लव करते अब वो छोड़ रहे हैं स्कूल छोड़ रहे हैं आपको एक बात और बता दें कि फ्रांस नाम का एक लड़का था फ्रांस नाम का एक लड़का था जो कभी भी स्कूल नहीं जाता था रेयरली कभी स्कूल जाया करता था बीच बीच में बहुत गैप नहीं करता था तो लेकिन वो स्कूल जाता है वो उसके वो उस स्कूल में जाने के बाद जब ये देखता है कि उसके टीचर आज उनके टीचर का आज आखिरी दिन है तो उसे बहुत पछता होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ जो है ज़िंदगी बर्बाद कर दी वो पढ़ाई नहीं की तो इस तरह से एक कहानी है फ्रांस देखिए उस वक्त जो है फ्रेंच जो फ्रेंच में पार्टिसिपल्स चैप्टर चल रहा होता है तो फ्रेंस को उसकी जानकारी नहीं होती उसको डर लगता है कि जाएंगे तो जो हमें हम, हम मिस्टर हैमल बहुत मारेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो आखिरी दिन था अब देखिए आखिरी दिन पे क्या होता है तो डियर द लास्ट लेसन यानी आखिरी लेसन इसका मतलब समझ गए ना आप लास्ट लेसन तो लास्ट लेसन मुझे लगता है कि आप थीम इसका समझ गए होंगे ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेज दिए गए हैं मीनिंग इनकी देख लेते हैं इन ग्रेट रेड ऑफ़ का मतलब होता है देखिए मैं यहाँ पर टाइप तो नहीं कर सकता हूँ पर इतना याद रखिए आप नोट कर सकते हैं मैं बता मतलब दे रहा हूँ इन ग्रेट रेड का इन ग्रेट रेड ऑफ़ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डर में काउंटेड ऑन मीन्स होता है रिलाय ऑन यानी भरोसा रखना और थम्ड एट द एजेस मीन्स होता है कि किनारे पर कहीं जाके सेट हो जाना या किसी किनारे को कवर कर देना ढक देना इन इनयनिजन का मतलब होता है मीन्स होता है कि एक मतलब इकट्ठा हो करके जैसे जब सारे बच्चे पाठ पढ़ रहे थे ना या जो चिल्ला रहे थे सारे इकट्ठा बोल रहे थे ना ए जिस जो भी पढ़ रहे थे सारे बच्चे अपने प्राइमरी लेवल में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इकट्ठा सारे लोग इक्स में पढ़ते हैं तो इन यूनिजन उसको कहा गया है अ ग्रेड बसल मीन्स होता है कि जब लोगों के आने जाने या आवाज़ से जो एक तरह के एक तरह का कोलाहल पैदा होता है उसी को इन ग्रेड बसल कहेंगे रिप्रोच आवर सेल्स विद रिप्रोच आवर सेल्स विद मीन्स होता है कि ए, जैसे खुद को आ, मतलब किसी पे ब्लेम लगाना उसी को रिप्रोच आवर सेल्स विद कहा गया है यानी कि ब्लेम लगाने को आइए हम लोग चैप्टर पे थोड़ा सा नजर डालते हैं देखिए मैं बहुत स्पीड से पढ़ूंगा क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो मीनिंग होगी मैं बताता चलूंगा लेकिन वैसे तो डायरेक्टली जो इसको ट्रांसलेशन में करता चलूंगा स्टोरी आप ध्यान से सुनेंगे आई ये वर्ड आई आया है मैं आई को बता दे रहा हूँ ये आई है कौन सबसे पहले बता दो ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि भाई आई कौन है मैं मैं कौन है ये ये है फ्रांस ध्यान से ध्यान देखिएगा सुनिएगा कि अब फ्रांस एक लड़का है छोटा सा और जो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग मैंने स्कूल के लिए जाना शुरू किया लेकिन वेरी लेट यानी बहुत लेट और दैट मॉर्निंग उस मॉर्निंग में सुबह में यानी जिस मॉर्निंग में जिस जब आखिरी मतलब लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था आ, मिस्टर हैमल के द्वारा तब उस जो है मॉर्निंग में मैं बहुत देर से स्कूल मैंने जाना शुरू किया लेट हो गया था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ आई स्कोल्डिंग मतलब ग्रेट डेड ऑफ मीन्स मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था किस किस चीज़ से कि कहीं मैं डांटा ना जाऊँ स्कोल्डिंग में से होता है डांटना स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैडसेट इस्पेशली ख़ास से क्योंकि मिस्टर हैमल ने यह कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन करेंगे किस पर अस ऑन पार्टिसिपल अस मिन हमसे कहाँ किस चीज़ पर पार्टिसिपल्स पर यानी पार्टिसिपल्स इज द नेम पार्टिसिप चैप्टर मैं पार्टिसिपल आपको पढ़ाऊँगा पार्टिसिपल क्या होता है पार्टिसिप इंग्लिश का एक ग्रामर का एक चैप्टर होता है बताऊँगा पार्टिसिपल क्या होता है तो ये पार्टिसिपल्स पर जो है वो क्वेश्चन करेंगे ऐसा उससे लग, डर लग रहा था कि यह क्वेश्चन हमसे करेंगे एंड आई डिड नॉट नो मैं और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में इवन एक भी वर्ड पहला वर्ड भी मैं नहीं जानता था फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपना पूरा दिन मतलब घर के बाहर बिताऊँ आउट ऑफ द डोर दरवाजों के बाहर मतलब इसका मतलब यहाँ पे घर है घर के बाहर में रहूँ पूरा दिन वहीं पर गुजार दूँ बाहर ही इट वॉज सो सो ब्राइट बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा अच्छा चमक थी द बर्ड्स वर चर्पिंग और सारे चिड़ियाँ जो है चर्पिंग करें मतलब चह जहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स देखिए एट द एज ऑफ द वुड्स मतलब एज मीनस किनारा होता है लेकिन जंग, जंगल के किनारे पे इसका मतलब ये हुआ कि शाखाओं पर यानी कि पेड़ों की शाखाओं पर चिड़िया क्या कर रही थी चह जहा रही थी यानी जंगल के आखिरी छोर पर और फिर देखिए आगे लिखा है इंडिया इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल एक वो था जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है सामिल कहते हैं उसे लकड़ी जहाँ पे एक, मतलब पटरी वटरी चीरे जाते हैं लकड़ियाँ चीर जाती हैं तो उसे शामिल कहते हैं और उसके बैक साइड में एक खुला हुआ मैदान था वहां पर प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे ड्रिलिंग कर रहे थे प्रशियन सोल्जर्स प्रशियन सोल्जर्स समझते हैं प्रशियन मैंने बताया था कि वो जर्मन का जर्मनी का हिस्सा पर्शियन वो सारे सैनिक क्योंकि उस फ्रेंच पर उन्होंने कब्जा कर लिया था फ्रेंच के दो रिश्ते उन्होंने जीत लिए थे अलसेस और लॉरेन तो अब प्रशियन सोल्जर्स क्या करते हैं ड्रिलिंग करते हैं ड्रिल का मतलब होता है छेद करना या अंदर डाल कुछ आ, जमीन की खुदाई करना समथिंग इट वॉज ऑल मच मोर अटैम्प्टैन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स अब जब उसने ये देखा कि सारे सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसको पार्टिसिपेंट से कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेंट के रूल नियम को नियम से कहीं ज़्यादा उसको ज़्यादा लुभाने लगे टैंपटिंग का मतलब होता है लुभावना जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए और कहीं किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो उसको छोड़ करके आप उसी चीज़ पर लग जाते हैं जिस जो, जो आप पसंद आ जाती है रास्ते में तो यानी टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी मतलब पावर थी टू रेजिस्ट रेजिट मतलब मैं कंट्रोल कर सकता था यानी मैं अपनी क्योंकि जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे मुझे पसंद आ गया था मैं सोच रहा था कि वे पार्टिसिपल्स के नियमों के नियमों की अपेक्षा मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आ था ड्रिलिंग मैं यहीं पर रुक जाऊँ लेकिन नहीं मैं अपनी इस जो मेरी लालच है अटैम्प्ट जो मैं इस पर कंट्रोल कर सका क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत थी और फिर क्या किया मैंने एंड हरी डॉफ़ टू स्कूल और तो मैं हरीड ऑफ़ मिस होता जल्दी से चला गया कहाँ टू तो स्कूल इस स्कूल चला गया स्कूल की तरफ भागा अब देखिए क्या होता है जब वहाँ से वो भागता है तब क्या होता है वेर आई पास द टाउन हॉल जब मैं टाउन हॉल पास किया मतलब गुजरा वहाँ से द वॉज अ क्राउड एक भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड मीन्स क्या होता है न्यूज़ का एक बोर्ड लगा हुआ था मतलब बुलेटिन बोर्ड एक, एक बोर्ड था जिस जिसपे न्यूज़ लिखे जाते थे न्यूज पीसीज ऑफ न्यूज़ लिखे जाते थे तो उसी भीड़ के एक भीड़ थी जिसके सामने बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था फॉर द लास्ट टू ईयर्स यानी आखिरी दो सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर जितने भी बुरे खबर बुरी खबर ख़ब, होती थी वहीं से आती थी जैसे ग्लास बैटल्स ग्लास बैटल्स मीन्स क्या होता है जैसे हारा गया युद्ध जाहिर सी बात है फ्रेंच को हरा दिया गया था एक खबर आई फ्रेंच के दो जिले यहाँ से चले गए जीत लिया गया द ड्राफ्ट अच्छा द ड्राफ्ट ध्यान देंगे ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है ड्राफ्ट वैसे इसका मतलब प्रोफाइल प्रारूप होता है फॉर्मेट होता है बट यहाँ पर ड्राफ्ट मीन्स होता दिक्रूट द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स सैनिकों की जो भर्ती होती है उसे ड्राफ्ट कहा गया है उसके बारे में द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स यही सब न्यूज़ में आते थे एंड आई थॉट मैंने ये सोचा टू माई सेल्फ खुद के बारे में विदाउट स्टॉपिंग खुद बिना रुके वट कैन बी द मैटर नाउ अब क्या हो सकता है अब आगे देखें देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो तब मैं उतना ही तेज गया उतना ही तेज में भागा जितनी तेज में भाग सकता था यानी कहाँ स्कूल की तरफ द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वॉज देअर विद हीज अप्रिंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर होने यानी जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर एक लोहार था और एक वाचर था वाचर का मतलब वाचर मीन्स होता है कि जो गार्ड वगैरह जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो सारे लोग उन सारे लोगों ने मतलब अपने अप्रेंटिस अप्रेंटिस मीन्स होता है जो उनके साथ सीखते हैं लोग ऐसे नौकरियाँ या, या समझ लिए कि लोग होते हैं जो सीख रहे होते हैं उन्हें अप्रेंटिस कहते हैं तो उन वो सारे लोग क्या कर रहे थे बुलेटिन पढ़ रहे थे और मुझे उन्होंने बुलाया और क्या कह रहे हैं डोंट गो सो फास्ट इत बब बब मीन्स बॉय ओके हे लड़के इतनी तेज मत दौड़ो या जाओ यू विल गेट टू your स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम प्लेंटी ऑफ टाइम मिस होता है काफ़ी समय में यानी तुम अपने स्कूल काफ़ी समय पहले ही पहुँच जाओगे मतलब समय तुम्हारे पास काफ़ी है प्लेंटी है इसलिए इतनी तेज मत जाओ कौन कह रहा है ब्लैक स्मिथ वाचर और उनके अप्रेंटिस जो बुलेटिन न्यूज़ पढ़ रहे थे आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं आई थॉट ही वज मेकिंग फन ऑफ मी मैंने सोचा कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं एंड रीच द मिस्ट हैमल्स लिटल गार्डन आल आउट ऑफ ब्रेथ और मैं पहुंच गया मिस्टर हैमल के उस छोटे गार्डन की तरफ आल आउट ऑफ ब्रेथ मींस होता है कि हाफे हाफ़ते डाफ़्ते मैं वहाँ पर पहुँच गया अब देखिए आगे यूजवली वन स्कूल भी अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो बसल बहुत ज़्यादा आवाजाही या कोलाहल होता था आवाज़ होती थी स्कूल में मतलब किसी के आने जाने की या पन पन्ने खड़खड़ाने के किसी के मुझसे आवाज़ निकालने की विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट जो जो आवाज़ सुनी जा सकती थी कहाँ उस गली में बाहर ख, खुली मतलब उस आवाज़ को सुना जा सकता था द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क बताया गया ग्रेट बसल किसकी है यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क डेस्क का यानी मेज का जो डेस्क सामने रखे रहे थे उसका खुलना और बंद होना लेसन रिपीटेड इन यूनिजन देखिए यहाँ पे आई ये नूनिजन यानी कि वो लेसन पार्ट जो रिपीट करते थे लोग यूनिजन मीनस इकट्ठा वेरी लाउड तेज तेज से मतलब सारे लोग मिल करके प्राइमरी में अक्सर ऐसा होता है तो जो लाउडली रीड करते थे इ, आ, विद आवर हैंड्स ओवर आवर री टू तो अंडरस्टैंड बेटर और हमने अपने हाथों को अपने कानों पर ढका ताकि मैं अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ सकूँ क्योंकि आवाज़ बहुत तेज आती थी एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और जो टीचर्स की टीचर्स का जो ग्रेट रूलर होता था यानी कि बड़ा सा रूलर रूलर मींस होता है और डंडा होता है एक स्टेक होता है तो वो टेबल पर रैपिंग करा होता है रैपिंग मीन्स होता है खटा खटा के आवाज़ लगाना उस पर पटकना बट नाव इट वॉज ऑल्सो स्टिल लेकिन अभी आज तो बिल्कुल शांत है ये तो वो जो घटना थी ये पहली घटना थी हमेशा जब वो जाता था तो सुनता था इस तरह की आवाज़ लेकिन जब वो जिस दिन जा रहा है उस दिन क्या है वो बिल्कुल क्लो सब कुछ शांत है कुछ भी ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बिंग सीन काउंटेड ऑन मीन्स होता है भरोसा रखना तो उसने उससे उसको ये भरोसा हो चुका था द कमोशन यानी उस आवाज़ पे टू गेट टू माई डेस्क कि मैं मैं जो है अपने डेस्क पे चला जाऊँगा विदाउट बिंग सीन बिना देखे मतलब कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा और मैं डेस्क पर जाके बैठ जाऊँगा बट ऑफकोर्स लेकिन बेशक सच में दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग मतलब मीन्स ये हुआ कि ए, सब कुछ वैसे ही हुआ या वैसे ही हुआ जैसे उतना ही शांत हुआ जैसे संडे मॉर्निंग मतलब उस दिन जब जाके बैठा तो उसको लगा कि जैसे संडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग क्यों दिया गया है क्योंकि ऑन संडे स्कूल्स आर क्लोज्ड स्कूल बंद होते देयर इज नो नॉइज इन दैट इन द स्कूल स्कूल में कोई आवाज़ नहीं आती है इसी इतनी इतना शांत था, था स्कूल जैसे संडे मॉर्निंग का स्कूल हो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स उस विंडो के थ्रू यानी विंडो में से मैं अपने क्लासमेट को देखा क्लासमेट में कल जो साथ में पढ़ते हैं ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज वो सारे लोग अपने प्लेसेज अपनी जगह पर बैठे हुए थे एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप और जो एम हैमल थे वो थे वॉकिंग अप मींस वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब कभी आगे कभी पीछे टहल रहे थे विद हिज टेरेबल आयरन रूल यानी कि अपने टेरेबल मीन्स होता भैन आयरन रूलर का मतलब होता है कि लोहे लोहे की छड़ी थी वो वो उसको लेकर के टहल रहे थे अंडर हिज आर्म अपनी बाहों में अपने भुजाओं में लिए हुए थे वो आई हैड टू ओपन द डोर मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा एंड गो इन बिफोर एवरीबडी और मुझे अंततः जो है आ, सब के सामने जाना पड़ गया दरवाज़ा मुझे खोलना पड़ा और सब सबके सामने मुझे जाना पड़ा यू कैन इमेजिन आप अब कल्पना कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं हाउ आई ब्लस्ड मैं कैसे ब्लश हो गया हूँ ब्लश मीन्स होता है शर्मिंदा हो जाना ये लाल शर्म से लाल हो जाना एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज कि मैं कितना ज़्यादा फ्राइटेंड था मतलब डरा हुआ था नेक्स्ट बट नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मिस्टर हैमल सामी मिस्टर एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली और बड़े काइंडली कहा मैं गुस्से में नहीं काइंडली मिस क्या होता है बड़े ही रहम और दया के साथ बड़े ही सिंपैथी के साथ कहा गो टू योर प्लेस क्विकली जाओ अपनी जगह पे जल्दी जाओ लिटिल फ्रेंड्स जाओ वी वर बिगनिंग विदाउट यू हम शुरू कर रहे थे तुम्हारे ही बिना शुरू कर रहे थे विदाउट यू तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे क्या लेसन आई जंप्ट ओवर द बेंच मैंने क्या किया मैंने छलांग लगाई बेंच पे जाके मैं बेंच पे एड सेट डाउन एट माई डेस्क और मैं अपने डेस्क पे जाके बैठ गया नॉट टिल देन फिर तब तक नहीं डिड आई वन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्रेड यानी यहाँ पे मतलब ये है कि जब वो बैठा तो उसको जैसे पहले बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो जब उसको ये लगा कि मैं मैं बैठ गया हूँ हेमल कुछ एम हेमल मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो उसको वो लगा कि अब उसका डर ख़त्म हो गया तो देखिए यहाँ पर गेट ओवर मिस होता जीत जाना मैं फ्राइट मिस होता मैं अपने डर को जब मैं जीत गया यानी कि मुझे जो मेरा डर जब लग लगभग ख़त्म हो चुका था डिड आई सी दैट आवर यहाँ देखिए टिल देन से और डिड से वहाँ से जुड़ेगा क्लॉक ध्यान देंगे बीच में कॉम लगा के सेपरेट किया गया है डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट इसने कहा कि नॉट टिल देन डिड आई सी तब तक ये मैं देख नहीं पाया था कि हमारे टीचर ने क्या पहन रखा था हिज़ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपना खूबसूरत ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था मैं देख नहीं पाया था जब मैं जब तक मैं क्या करना सका जब तक मैं अपने डर को जीत ना सका यानी जब तक मेरे मन से डर ख़त्म नहीं हो गया तब तक मैं उनको उनके ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को देख ना सका और क्या पहन रखा थी उन्होंने हिज़ फ्रिल्ड हिज़ फ्रिल्ड Shirt, शर्ट उन्होंने शर्ट पहन रखी थी और कैसी फ्रिल्ड फ्रिल्ड वैसे फ्रिल्ड मीन होता है झालरदार बट यहाँ पर आई थिंक ये मेरे हिसाब से लाइनिंग वाली शर्ट होगी एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एक छोटा सा कैप पहन रखा था जो ब्लैक कलर के सिल्क की सिल्क की थी और आल एम्ब्रॉयड उस पर एम्ब्रॉय की गई थी एम्ब्रायड्री मींस होता है कसीदागिरी उस पर कुछ डिजाइनिंग की गई थी धागे से दैट ही नेवर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस मतलब इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनते थे सिवाय उस दिन के जब कभी वो इंस्पेक्शन पे होते थे नहीं कभी जांच उस किसी चीज़ से करते थे या कभी उनको इनाम दिया जाता था किसी अवसर पर पहनते थे लेकिन आज वो पहनकर आए हैं जिसका मतलब कुछ खास बात है डिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज पूरा का पूरा स्कूल लगा कैसा अजीब लगा एकदम अजीब सो स्ट्रेंज मतलब कभी ऐसा नहीं दिखा था एंड सालम पूरा स्कूल कैसा दिखा सालम सालम मीन्स होता सीरियस बिल्कुल गंभीर दिखा बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज की सबसे ज़्यादा वो थी वाज टू सी ये देखना था ऑन द बैक ऑफ बेंचेज यानी कि बेंचेज के बैक पोर्शन पर यानी कि वो बेंच के पीछे दैटर जो कभी जो हमेशा खाली रहा करती थी वो बेंचेज द विलेज पीपल सीटिंग क्वालि गाँव के लोग वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे लाइक आवर सेल्व जैसे हम लोग बैठे हुए थे ओल्ड हाउजर विद हिस्स थ्री कॉर्नर हैड यहाँ पर एक गया ओल्ड हाउसर उसकी उसके उसने कैप पहन रखी थी हेड पहन रखी थी वो थ्री कॉर्नर मतलब तीन कोन तीन कोने वाला हैड पहन रखा था द फार्मर मेयर भी था फार्मर मेयर मीन जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भूतपूर्व या भूतपूर्व कहते हैं मेयर मेयर था द फार्मर पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर भी था एंड सेवरल बिसाइड्स उनके अलावा भी और कुछ लोग थे कई लोग थे एवरीबडी looked सैड हर कोई कैसा दिखा सैड दिखा मतलब मीन्स बहुत दुख में दिखा एंड हाउज़र हैड ब्रॉड एंड ओल्ड प्राइमर हाउज़र अब ले आए थे अपने हाथ में एक ओल्ड प्राइमर प्राइमर मीन्स क्या होता है यानी भजन की किताब को प्राइमर कहते हैं एक पुरानी सी किताब थी भजन वाली जिसमें प्रेयर वाली किताब थी गॉड को जैसे हम भजन जानते हैं आप गॉड से जब प्रेयर करते हैं प्रे करते हैं तो उसकी किताब थी वो ले आए थे पुरानी थी थम्ड एट द एजेस देखिए यहाँ पर लिखा है थम्ड एट द एजमीस क्या हुआ था वहाँ पर जो उसकी किताब थी ना उसके किनारे किनारे पे क्या हो गया था आ, मुड़ गया था और मैंने बताया था कि थम्ब एड एजमिन होता है कि, किनारे वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा उस पर कुछ लग जाना या कट जाना या या क्रैम्प हो जाना एंड ही हेल्ड open ऑन हिज नीज़ और उन्हें किताब खोल रखी थी विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइन अक्रॉस द पेजेस और उन्होंने चश्मे ले आए थे जो उनके पेजेस पेजेस पे उन्होंने रखे हुए थे मतलब उसके पेजेस में कौन से पेजेस अपने उस भजन की किताब जिसे ओल्ड प्राइमर कहें प्राइमर वाइल्ड आई वॉज जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था एम हैमल माउंटेड हिज चेयर मिस्टर जो है एम हेमल थे उन्होंने अपनी चेयर ली एंड चेयर पे बैठ गए एंड माउंटेड मिस होता है ना माउंट मिस होता है रख देना किसी चीज़ पर बट यहाँ पर मिस एम हेमल के लिए चेयर उन्होंने रख ली इसका मतलब ये हुआ कि वो बैठ गया एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन उसी ग्रेव सीरियस और बड़ी ही जेंटल मीन सोता सदी हुई टोन में उन्होंने विच ही हैड यूज टू मी जो कब हमेशा मेरे साथ इस्तेमाल करते थे सेड उन्होंने कहा माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेड गिव यू ये मेरा आखिरी चैप्टर है आखिरी लेसन है जो मैं आप लोगों को, को पढ़ाऊँगा या दूंगा द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से एक ऑर्डर आया है बर्लिन 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 इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी जर्मनी के कैपिटल को बर्लिन कहते हैं मैंने बताया था कि अल्सेस और लॉरेंस जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अब चले गए हैं बर्लिन यानी जर्मनी के हाथों हाँ, में टू टीच ओनली जर्मनी इज द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन यानी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा जर्मन पढ़ाया जाएगा जबकि एमहैमल क्या पढ़ा रहे थे फ्रेंच पढ़ा रहे थे द न्यू मास्टर कम्स टमोरोनि एक नए मास्टर कल आने वाले हैं या आएंगे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन ये तुम्हारा आज आखिरी फ्रेंच लेसन है आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव और आज मैं बिल्कुल अटेंटिव बिल्कुल ध्यान से पढ़ाना चाहता हूँ वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी जैसे ही मैंने सुना फ्रांस कह रहा है जैसे ही मैंने सुना कि ये शब्द मेरे लिए जैसे वज्रपात लगे यानी कि ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे ऊपर गिर गई हो ऐसे शब्द लगे थंडर क्लैप मीन्स होता वज्रपात यानी बिजली जैसी कोई चीज गिरी हो ओ द रिचे दैट वॉज वर्ट दे हैड पुट अपट द टाउन हॉल तो सारे रेचेस रेचेज थे रेचिज मीन्स होता है अनलक्की पीपल को रेचेस कहते हैं जो अभागे होते हैं जिनका बेचारे जैसे कह सकते हैं कि जिनका भाग्य खराब होता है ये अभागे ऐसे लोग इन लोगों ने क्या कर था टाउन हॉल में बेचारे वो लोग आए थे तो ये माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन वाई क्यों आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मैं मुश्किल से जान पाया था कि कैसे लिखा जाता है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर मैं कुछ और कभी नहीं सीख मैं, आ, आ, मैं कभी नहीं कुछ सीख पाया आई मस्ट स्टॉप दियर मुझे ज़रूर रुकना होगा दैन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन कितना दुखद बात है कि मैं मैं अपना पार्ट याद न कर सका फॉर सीकिंग बर्ड एक्स फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार सिर्फ मैं बर्ड्स के यानी कि चिड़िया जो चिड़िया हुआ करती थी उनके अंडों की तलाश में रहता था और सिर्फ कहाँ जाता था सार न सार नाम का एक सार नाम की एक नदी है यानी जो सतह होती थी बिल्कुल सेम नहीं बराबर नहीं होती थी ऊपर नीचे माउंटेन जैसे माउंटेन की होती है वैसे थी ताकि इंसान कोई स्लाइड भी कर सके तो सार नदी पर मैं स्लाइड करने जाया करता था इसलिए मैं पढ़ ना सका माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ एगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ दैंस वैटिडेंट के बाद वो मेरी किताबें जो मुझे कैसे लगती थी सच एन न्यू सॉन्स न्यू सॉन्स मींस होता है बाधा होना यानी मेरे लिए अड़चन पैदा करती थी अवाई लेको कुछ देर पहले सो so हैवी बहुत भारी थी टू कैरी ले जाने में माई ग्रामर मेरा ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सैंस यानी कि साधुओं के द्वारा दी गई वो मेरा वो इतिहास ये सारे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स मेरे पुराने दोस्त नाउ देट आई क्वेश्चन अब मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कि वप मींस होता है छोड़ ना सकना ठीक है मैं छोड़ नहीं सका एंडल टू मिस्टर हैमल भी द आइडिया दैट ही वोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हीम अगेन वो विचार वो आइडिया की वो जा रहे हैं और मैं उनख कभी, कभी नहीं पाऊंगा मेड मी फॉर गेड इसने सब कुछ भुला दिया ऑल अबाउट हिज रूलर यानी उनके रूलर के बारे में एंड हाउ क्रेंकी ही वॉज कैसे वो कितना क्रैंकी क्रैंकी मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा इरीटेट होने वाला पर्सन को क्रैंकी कहते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा या बहुत ज़्यादा किसी पर गुस्सा दिखाने वाले पर्सन को क्रैंकी कहते हैं कितना क्रैंकी थे कितना गुस्सा वाले थे कितना इरीटेट होते थे और उनका रूलर कैसा था इन सब सारी चीज़ें में भूल चुका था उनके आगे उनके शब्दों के आगे आगे पोअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ़ दिस लास्ट लेसन बेचारा अभाग आदमी इट वॉज इन द ऑनर यह सब ये लास्ट लेसन इन सब के सम्मान में था दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज ही और उन्होंने क्या अपने संडे जो खूबसूरत जो क्लॉथेज उनके कपड़े थे संडे संडे क्लॉथे जो संडे क्लॉथज उन्होंने पहन रखे थे आपको पता है कि संडे क्लॉथज मीन्स क्यों क्योंकि जब वो कभी ऐसे वक्त पे नहीं पहनते थे बहुत तो किसी ओकेजन पहनते थे एंड नाउ आई अंडरस्टूड और मैं समझ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉर सिटिंग देयर कि ये पुराने ये जो बूढ़े बूढ़े आदमी हैं न गाँव के ये क्यों वहाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं इन द बैक ऑफ द रूम यानी रूम के पीछे क्यों बैठे हुए मैं समझ गया था इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी ये इसलिए क्योंकि वे भी बड़े दुख में थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर क्योंकि वो भी स्कूल स्कूल नहीं गए थे इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर इज फोट इज आ फेयरफुल सर्विस यह उनका एक तरह का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था अपने मास्टर को जिन्होंने अपने चालीस साल तक जो है वो अपनी फेथफुल सर्विस देते रहे फेथफुल मीन्स वफादारी से अपनी सर्विस देते रहे एंड ऑफ शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री और वो अपने कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट भी शो कर रहे थे दैट वाज दियर नो मोर जो उनकी कंट्री नहीं थी अब मतलब समझ गए यानी कि जो एलसीस का लॉरेन था जो कभी फ्रेंच का कर, फ्रांस का कभी पार्ट वो करता था अब वो कंट्री का हिस्सा नहीं रहा इसका मतलब है कि अब वो जो है वो अलसेस और लॉरेंस जो है अब वो हिस्सा नहीं रहा इस पर जो है बहुत टेंशन थी इसका मतलब अलसेस लॉरेंस का स्कूल चला गया जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी अपने फ्रांस से अपने देश के प्रति आगे है देखिए वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था आई हर्ड माई नेम कॉल्ड मेरा मैंने मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइड अब मेरी बारी आ गई थी रिसाइड करने के की यानी कि पढ़ने की वाट वूड डाई नॉट हैव कीमिन टू भी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपिल ऑल थ्रू मैंने पता इस इसके सब कुछ अपना मतलब लगा दिया अपनी ताकत पूरी लगा दी ये कहने के लिए कुछ बोलने के लिए उस ड्रेडफुल रूल के आगे जो पार्टिसिपिल पूरा पढ़ाया जा रहा था और वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत लाउड और क्लियर पढ़ने की कोशिश की एंड बट आई गॉड मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड इस टूट देयर मैं वहीं पे उलझ गया पहले कुछ शब्दों में और वहीं खड़ा रहा होल्डिंग ऑन टू माई वेस्क और मैं अपना डेस्क पकड़े हुए था माई हार्ट पीटिंग मेरा हार्ट बीट कर रहा था यानी मेरी धड़कनी बढ़ रही थी एंड नॉट डेयरिंग टू लुकअप मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उप, अपनी निगाह ऊपर कर सकूँ आई हड एम हैमल से टू मी मैंने ये सुना कि एम हैमल ने मुझसे कुछ कहा और क्या कहा आई वॉन्ट स्कोल्ड यू यानी मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें नहीं डाटूंगा यू मस्ट फील बेटरअफ़ तुम काफ़ी बुरा फील करोगे सी हाउ इट इज़ देखो ये कैसा है एवरी डे वी हैव सेट टू आर हर दिन हमने अपने आप से यही कहा बै देखिए बै वर्ड क्या है बै वर्ड क्या है एक एक्सक्लामेटरी वर्ड है दैट इज़ यूज फॉर डिसअप्रूवल और डिसग्रीमेंट यानी कि ना करने के लिए यूज़ होता है जैसे हम यूँ कह लें जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आ, अगर मैं अली पूछा मैं क्या तुम मेरे साथ शराब पीने चलोगे तो क्या कहोगे यानी ना यानी ये, ये जो आपने एक्सलामेटरी जो एक्सक्मेशन दिए ना यही से बाय कहते हैं तो नहीं आई आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास काफ़ी टाइम है आई विल लर्न इट टमोरो यानी कि मैं सिर्फ कल सीख लूँ कल मैं लर्न कर लूँगा एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट अब आप देख सकते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं वेयर वी हैव कम आउट एह देट अ ग्रेट ट्रबल विद अल यही तो ट्रबल है परेशानी है अलसेज के साथ शी पुस ऑफ लर्निंग टिल टमारो यानी कि अलसेज जो जगह थी उसने हमेशा अपने पार्ट को याद करना कल पिटाला है यानी कि आने वाले कल में याद कर लें कल कर लें कल 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 से आज कल कितने कल निकल गए ना दोज फेलोज आउट दियर विल हैव द राइट टू से टू यू और सारे फेलोज सारे साथी सब के पास अभी राइट होगा कहने के लिए तुम्हारे पास सब राइट होगा कहने के लिए हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन यही कहेंगे सारे लोग यही कहेंगे कि तुमने बहाना किया फ्रेंच मैन बनने का एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज यही कहेंगे ना तो तुम अप, अपनी ही भाषा इस आ, मतलब अपनी ही भाषा को ना तुम बोल पा रहे हो और ना लिख पा रहे हो बट यू आर नॉट द वस्त तुम सबसे ख़राब नहीं हो पोर लिटिल फ्रांस बेचारे फ्रांस छोटे बच्चे तुम इतना सबसे ख़राब नहीं हो वे हैव ऑल अ ग्रेट डील रिप्रोच आवर सुजवेद यानी कि हम सभी में बहुत बड़ी मात्रा में हम सब एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहे हैं फिर रह मैंने बताया था कि रिप्रोच आवल सुजवेद ब्लेम लगाना यहाँ पर रिप्रोच आवल सुविधा एक दूसरे पर ब्लेम लगाने से ही सेंस है ये मतलब ये हम लोग ही कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिम्मेदार हैं जो हम सीख नहीं पाए योर पेरेंट्स वर नॉट ए इनफ टू हैव यू लर्न आपके पेरेंट्स इतना अंशस नहीं थे यानी कि इतना ज़्यादा वो आतुर टेंशन में नहीं थे कि वो तुम्हें सिखा सके उनके अंदर चिंता ही नहीं थी दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म और द मिल्स उन्होंने पसंद किया तुम्हें रखने के लिए उस काम पर जहाँ फार्म पर काम होता और मिल्स पर काम काम पर रखने के लिए पसंद किया तुम्हें सो एस टू हैवे लिटिल मोर बने ताकि वो और पैसा कमा सकें एंड आई और मैं मैंने क्या किया आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो मैं भी मैं भी ब्लेम लगाता रहा आई हैवे नॉट ऑफ इंसेंटिव यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन क्या मैंने तुम्हें क्या अपने पौधों यानी फ्लावर्स को पानी देने के लिए कभी नहीं भेजा बजाय तुम्हें लेसन सिखाने के एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी दैन फ्राम वन थिंग टू अन अदर फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर वो मिस एम है फ्रेंच लैंग्वेज तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमेशा जो है उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते गए सेग यह कहते हुए दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये ये ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए एक वो है मैप है यहाँ पर एक मैप है इस मैप पर ध्यान देंगे मैप कौन सा कहाँ पर अल से देखिए देख लीजिए ये फ्रांस है बीच में फ्रांस है और देखिए यहाँ पर अलसेस और है यानी कि फ्रांस के जस्ट राइट हैंड पे और ऊपर देखिए जर्मनी के नीचे अब जो जर्मनी के हिस्से में चला जा रहा है तो कभी ये ये फ्रांस में ही आता था तो जर्मनी और देखिए लॉरेंस अलसेस जो है बॉर्डर पे है तो मुझे लगता है उम्मीद समझ समझ गए होंगे आप ध्यान से देखेंगे जर्मनी देखिए एकदम राइट हैंड पे टॉप पर देखिए जर्मनी और उसके ठीक नहीं चल देखिए लॉरेन अल्से से तो ये जो है जर्मनी के हाथों में चला गया ये बॉर्डर वाला हिस्सा था अब आगे चलते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच क्या है इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है द क्लियर बिल्कुल क्लियर है उसमें द मोस्ट लॉजिकल और सबसे ज़्यादा उसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं मतलब क्लियर है उसमें ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं मिलेगा दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंगस यानी कि हमें अपने अंदर ज़रूर से इसकी इसकी सिक्योरिटी बनाए रखनी चाहिए मतलब इस इसको हमें हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज जो है भले ही हम जर्मनी के हो गए हैं तो फिर भी हमें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को अपने अंदर बसाए रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी रक्षा कवच कवचा काम करेंगे कभी एंड नवर फारेटेड और हमें कभी भी इसे नहीं भूलना चाहिए बिकॉज क्योंकि वेन आर पीपल आर इन स्लैबड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज जब इंसान क्या हो जाता है दास बन जाता है ना या किसी गुलामी में आ जाता है तो उस वक्त उसके प्रिजन में वो चाबी का काम करता है दे होल्ड फास्ट टू दिय लैंग्वेज एज इफ देडी टू दियर प्रीजन उस वक्त वो उसके कैद खाने की चाबी की तरफ काम करता है देन ही ओपन द ग्रामर तब उन्होंने ग्रामर खोला एंड रीड अस आवर लिसन तब हमें उन्होंने पढ़ाया हमारा लेसन पढ़ाया आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट मैं बड़ा सरप्राइज़ होता है सरप्राइज़ करना चौक चौंक जाना यह देख कर कि मैं कितनी अच्छे से आज समझ गया आल ही सैड सेम टू सो इजी सो इजी वो सब कुछ जो उसने कहा ऐसा लगा जैसे मालूम पड़ा इतना आसान इतना आसान आई थिंक मैं सोचता हूँ मैं भी सोचता हूँ दैट आई हैड नेवर लेसन सो केयरफुली मैं भी सोचता हूँ कि मैंने इतनी ध्यान से कभी भी सुना भी नहीं था एंड दैट यू हैड ने एक्सप्ल एवरी थिंग विद एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस और उन्होंने कभी भी इतना कभी भी एक्सप्लन नहीं किया था सब कुछ वो भी इतना पेशेंस के साथ उतने धैर्य के साथ इट्स इट्स सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पोर मैन वॉन्टेड टू गिव ऑल ही न्यू ऐसा लग रहा था वो बेचार आदमी बेचार आदमी मतलब कौन एम हेमल कि वो सब कुछ वो जो है हमें परोस देना चाह रहा हो ये दिया दे देना चाह रहा हो वो सब कुछ जानता हो आल ही न्यू बिफोर गोइंग जाने से पहले वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब कितना ज्ञान उड़ेल दें जाने से पहलेट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन एडवन स्टोक एक ही प्रहार में एक ही बार में वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे आफ्टर द ग्रामर ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग फिर इसके बाद राइटिंग का लेसन हमारा आया दैट डे उस दिन एम हैड न्यू कॉपीज फॉर अस तो हम मिस्टर हेमल जो कुछ नई कॉपीज लाए थे हमारे लिए रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड और राउंड हैंड में खूबसूरत राइटिंग में लिखा गया था क्या लिखा था फ्रांस अलसेज फ्रांस अलसेज यानी फ्रांस अलसेज फ्रांस लिखा गया था दे लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग द है एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क मतलब वे ऐसे दिख रहे थे जैसे मालूम पड़ता था जैसे झंडे वो फ्लोट कर फ्लोट मीनस होता है लहराना लहरा, लहरा रहे हो और भी कहाँ पे स्कूल रूम में डेस्क पर डेस्क पर रॉड जैसे रॉड में झंडा लटकाया गया हो हर डेस्क पर टॉप पे जो हर हडस के टॉप पे झंडे के रूप में उसको लटकाया गया और वो झंडा लहरा रहा हो ऐसा वो दिखाव टू हैव सीन हाउ एवरी वन वर्क आपको ये देखना चाहिए था कि कैसे एक इंसान काम शुरू करता है एंड कितना शांत था ये द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर सिर्फ आवाज़ जो वो आ रही थी वो सिर्फ पेपर पर पेन से लिखने की आवाज़ देखिए आप स्क्रैचिंग होता है खरोचना बट पेन से अगर पेपर पर पे खरोचेंगे इसका मतलब ये है हुआ कि आप लिख रहे थे तो सिर्फ पेपर पर पे, पेपर पर पे पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी और कुछ नहीं बिल्कुल सा बिल्कुल साइलेंट था सब सा कुछ वन से सम बीटल्स फ्लिव एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बीटल्स अंदर आए उड़ते हुए बीटल्स मीन्स क्या होता है भौवरे होता है ना तो वो उड़ते हुए अंदर आए बट नो बी पेड एनी टेंशन लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया नॉट इवन द लिटलेस्ट ones, यानी कि यहाँ तक कि उस छोटे चो, बच्चों छोटे लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स जो हमेशा वो हमेशा काम करते रहे सिर्फ क्या करने में अपनी फिश हुक्स को ट्रेस करने पता लगाने में या जांचने पर में यानी कुछ लोग ऐसे होते थे जो मछलियाँ पकड़ते थे फिश हुक्स को ट्रेस करने में ही टाइम लगा देते थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया आईज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू मानो सिर्फ मानो वह भी फ्रेंच था ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो और छत पर जो कबूतरें थी वो भी बहुत धीरे धीरे कू कर रही थी मतलब गुडरुग की आवाज़ निकाल रहे थे एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मैंने खुद को सोचा विल दे विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स क्या जो वो पीजन्स हैं यानी कबूतर वो भी क्या आप जर्म जर्मन लैंग्वेज में सिंगा लगाएंगे वो भी सिंगिंग करेंगे जर्मन लैंग्वेज में माली अलसिस लौ तो अब जर्मनी का हो गया क्या वो भी जर्मनी में अब गाना गाने लगेंगे जर्मनी में बोलने लगेंगे ये क्वेश्चन बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है ये देखिएगा बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा फिलोसफिकल क्वेश्चन है कैसे ये इस तरह से कि जब हम मान लीजिए वहाँ से ऑर्डर आ गया कि फर, फ्रांस फ्रेंच नहीं पढ़ा जाएगा जर्मनी जर्मन लैंग्वेज पढ़ा जाएगा तो हम लोग जर्मनी जर्मन लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो क्या जानवर भी जर्मन पढ़ लेंगे नॉट एट ऑल हो नहीं सकता अब देखिए आई आई अप राइटिंग एम सिटिंग मोशनलेस इन चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन add अनदर जब जब भी कभी मैंने ऊपर ऊपर की तरफ देखा जब मैं लिख रहा था तो मैंने अपनी निका कभी कभी जब ऊपर की तो मैंने ये देखा कि जो एम हेमल थे वो बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे मोशनलेस में है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं था अपने चेयर में बैठे हुए थे और सिर्फ गेस कर रहे थे यानी घूर रहे थे किस चीज़ पर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर फर्स्ट वन थिंग देन ऐट अनदर और देख रहे थे एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन इज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग इन दैट लिटिल स्कूल रूम सिर्फ वो ये चाह मुझे लगता है कि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ इसलिए देखना चाहते थे मानो वो ये चाहते हूँ कि अपने दिमाग में वो सारी इमेजेस को जो देख रहे हैं वो एकदम फिक्स कर लें जैसा वो दिखते थे उस छोटे से स्कूल रूम में फैंसी फैंसी मीन्स इमेजिनेशन एक कल्पना है फॉर फोर्टी ईयर्स ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस चालीस सालों तक सिर्फ एक ही जगह पर वो पड़े रहे रहे यानी कि स्कूल में विद विदिज गार्डन आउटसाइड द विंडो डेस्क क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम यानी कि एक ही स्कूल में चालीस साल तक रहे जहाँ पे बगीचा था बाहर में और विंडो विंडो के विंडो के बाहर जो है बगीचा था और उसके क्लास उनके सामने क्लास भी थी जस्ट लाइक दैट ठीक उसी तरह से तो सोचते ही रहे वैसे ही ओनली द डेस्क एंड बेंचेज है सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थी वो क्या थी वार्न स्मूथ यानी कि ये वही लग रहा था कि यहाँ पर ओनली द बेंच जो बेंचेज और डेस्क जो लोग बैठे थे वहाँ पर लग रहा था कि कुछ लोग बैठे हुए बाकी कुछ भी उनको नजर नहीं आ रहा था द वाल ट्रीज द गार्डन व टॉलर अब जो वाले ट्रीज थे गार्डन में वो भी अब लंबे और बड़े हो चुके थे पेड़ बड़े हो चुके थे एंड द होप वाइन दैट द होप वाइन भी एक पेड़ ना पौधे का नाम है दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ यानी उन्होंने खुद जिस प्लांट किया था उस पर उस पेड़ को लगाया था टाइंड अबाउट अबाउट द विंडोज रूफ़ यानी कि उलझते हुए यानी कि वो क्या किया ब्रांचेज में बेकार विंडोज के पास उसके छत पे जो है चढ़ गया था हाउ इट मस्ट है कैसे इस पेड़ ने इसने उनको आ, हम, हम के दिल को तोड़ दिया होगा टू ली वी टॉल जब इन्होंने पूरा छोड़ा होगा पोर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम पैकिंग दियर टर्म्स यानी ये सुन कर जो जब उनकी सिस्टर थी वो क्या आ, वो रूम के उप, के ऊपर इधर उधर मूव कर रही थी वो क्या कर रही थी उनके ट्रंक्स को पैक कर रही थी पैक, ट्रंक्स मीन्स क्या होता जानते है जानते हैं ट्रंक्स मीन्स होता है जैसे ये कपड़े नहीं होते नीचे शॉर्ट्स वगैरह तो वो पैक कर रही थी फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री टैक्स क्योंकि वे लोग अब कंट्री छोड़ देंगे अगले दिन बट ही हैड द करेज टू हीयर एवरी लेसन अब अब उसके पास सिर्फ एक करेज था यानी हिम्मत थी क्या कि हर लेसन को सुन सकते हैं तो द वेरी लास्ट आखिरी आखिरी छड़ तक आफ्टर द राइटिंग राइटिंग लिखने के बाद भी हडर लेसन हिस्ट्री तब इतिहास में हमारा एक इतिहास में लेसन आया एंड देन देबीज चैंड दियर द बेबीज ने यानी कि बच्चों ने चैंड किया था पढ़ा दियर बाखिरी ये, ये लेसन था जिसमें हिस्ट्री का हिस्ट्री का नहीं बल्कि उनका आखिरी लेसन था हिस, हिस्ट्री चैप्टर में उन्होंने बा बे इस साउंड को पढ़ा ये फ्रेंच साउंड है डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स उस पीरूम के पीछे जो ओल्ड हाउसर थे उन्होंने क्या किया था चश्मे पहन रखे थे एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स अपने हाथों में अपना प्राइमर लिए हुए थे प्राइमर में समझ रहे ना अपने भजन की किताब लिए हुए थे स्पिल्ड द लेटर्स विद और सबके साथ वो भी लेटर्स क्या कर रहे थे आ, चांड कर रहे थे यानी पढ़ रहे थे यानी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे जो भजन का था और साथ में वो भी जो पढ़ रहे थे यू क्यूड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग आप देख सकते हैं कि वो भी ट्राई कर रहे थे चिल्ला रहे थे यानी बोल रहे थे हिज वॉइस ट्रेम्पल विद इमोशंस उनकी आवाज़ थी कप कपा रही थी इमोशंस भावनाओं से समेक से एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम या सुनना कितना फनी लग रहा होगा उनको दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एट क्राइस सिर्फ हम लोग चाहते थे कि लाफ करें सिर्फ और सिर्फ हंसे और चिल्लाएँ इस वक्त तो, ए हाउ आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लास्टन उस आखिरी लेसन को हम कैसे कितने अच्छे ढंग से याद करेंगे दैट लास्ट लेसन उस आखिरी लेसन को ऑल एट वंस द चर्च क्लाफ्ट इज ट्व और फिर क्या हुआ ऑल एट वंस फिर फॉरन चर्च के की जो घड़ी थी यानी कि clock था वो उसने बारह बजा दिए यानी कि बारह बज गए देन द angelus देखिए angelus वर्ड आया है ध्यान से सुने ये पूछा जा सकता है एंजलस जो है ये प्रेयर को कहते हैं जब प्रेयर शुरू होता है जो घंटी बजने के बाद उसे एंजलस कहते हैं तो चर्च में इसके बाद जब ट्वेल्व बजे बारह बजे तो अब प्रेयर शुरू हो गया एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस द रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल उसी मोमेंट में ट्र, ट्र, ट्रम्पेट्स मींस होता है आवाज आई तुरही की आवाज़ को ट्रम्पेट्स कहते हैं प्रशियंस की आवाज़ प्रशियंस ने आवाज ब, बजाते हुए तुरही की आवाज लगाते हुए वो आए और कहाँ से ड्रिलिंग से रिटर्न रिटर्न कर रहे थे वापस हो रहे थे साउंडेड अंडर आवर विंडोज़ और यह आवाज़ आई हमारे विंडोज़ के पास विंडोज़ के अंदर मैं एम हेमल अप एम एल हेमल खड़े हो गए वेरी पेल पेल में तक है येलो कलर में हो जाना दुख में हो जाना इन हिज चेयर अब जब अपने चेयर पे बैठे थे तो तब तो वहाँ से खड़े हो गए आई नेबर साहिम लुक सोटात जब मैंने उनको देखा तो मैंने कभी भी इतना लंबा उनको नहीं देखा इतना लंबा मुझे नहीं दिखा दी नि, तक निगाहें नहीं पड़ी माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों शायद ही उन्होंने कहा आई आई कुछ वो कहना चाह रहे थे बट समथिंग चोक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन यानी कि कुछ उनको चोक उनके गले में चोक जैसे आई आई मैं मैं कुछ कहना चाह रहे थे बट वो कुछ कह नहीं सके उनके गले में चोक हो गया फिर क्या हुआ ही कुड नॉट गो ऑन फिर वो आगे कुछ ना कह सके देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए टुक अ पीस ऑफ चाक उन्होंने एक पी, चौक का एक टुकड़ा लिया एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज हीज लाइज यानी कि अपनी पूरी ताकत से उन्होंने क्या किया इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे क्या लिखा वी वेल ऑफ फ्रांस वी वेल ऑफ फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस फ्रांस तुम हजारों साल जियो मतलब ऐसा लिखा देन ही स्टॉप एंड लिव हिज हेड अगेंस्ट दब रुके और अपना हेड झुकाया और अगेंस्ट वॉल वॉल के जस्ट अगेंस्ट में यानी कि उसके सामने एंड विदाउट उन्होंने मुझे इशारा हमें इशारा किया हाथ से ख़त्म होता है जुम्मे वो आप जा सकते हैं तो मुझे लगता है दिस चैप्टर इज एंडेड हियर डियर प्लीज़ इस चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ें बार बार वीडियो को देखें मैंने बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है और फिर इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के अगले वीडियो में फिर प्रेजेंट होऊंगा तब okay. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो